Welcome back to the channel. I am Jayshree Chukar and today I am going to discuss kya hoti hai success. तो सक्सेस एज अ वर्ड दिखाती है कि मतलब कामयाबी मिलना किसी काम के अंदर. और आपने काफी बार सुना भी होगा एक डायलॉग फेमस कैप 1992 सीरीज का, सक्सेस का मतलब होता है फेलियर के बाद का नया चैप्टर. तो हाँ, बोल सकते हैं हम फेलियर के बाद का नया चैप्टर. बट हमारे सीए स्टूडेंट की अगर हम करियर की बात करें, उस जर्नी की जो 5 साल हम बिताते हैं उसके अंदर सक्सेस का मतलब होता है जब आप 5 साल कंप्लीट करके सीए फाइनल के लिए अपीयर करते हो और फिर जो रिजल्ट आता है तब उसके ऊपर लिखा होता है यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो हमारे लिए वो सक्सेस होती है. उस वर्ड को, उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए पता नहीं हम कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, कितने सारे स्लीपनेस नाइट को हम फेस करते हैं. बट ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है. एंड हर एक बच्चा जो कॉमर्स लेता है उनका सबका नॉर्मली यही सपना होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स अपीयर करे एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए. तो देखो, इस जर्नी के अंदर जब एंटर होते हैं ना तब हमारे अंदर बहुत जोश होता है कि यार कर लूँगा मैं, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छा हूँ, ईजीली हो जाएगा. बट ट्रस्ट मी, जब आप एंटर होते हो ना तब इस लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस होता है, इंटरमीडिएट देते देते आप इस लेवल पर पहुँच जाते हो. इसकी वजह से क्या है कि फिर आप काफ़ी बार कई सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं इस फील्ड को, क्योंकि अब लगता है कि आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे. ऐसे लेवल्स भी आएंगे, अप्स एंड डाउन. ये तो भाई लाइफ के हमारे दो फेज होते हैं. काफ़ी बार आपको डाउन भी होना पड़ता है एंड काफ़ी बार आपकी जो स्विंग, जो गाड़ी होगी आपकी सफलता की, वो काफ़ी बार ऊंचाइयाँ भी छूएगी. तो ये चलता रहता है ऐसे. बट देखो, जब आपने इस प्रोफेशन को चूज़ ही कर लिया है तो क्यों ना उसमें इतना हार्डवर्क करके उसको अचीव कर लिया जाए. आपके पेरेंट्स को आप देख लो, उन्होंने आपको इस कोर्स के अंदर एंटर करवा लिया, वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, वो एक स्टूडेंट को चाहिए होती है. अब आपकी बारी है कि आप भी उनको एज रिटर्न गिफ्ट कुछ ऐसी डिग्री हासिल करके दो, ताकि उनके, उन्होंने जो सेक्रीफाइस की हुई चीज़ें हैं, आप उन सभी चीज़ों को आज उनको वो अच्छे तरीके से लौटा सको. उनके भी जो सारे ड्रीम्स उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस किए थे, आज जब आप इस कोर्स के अंदर आ चुके हो तो क्यों ना उन ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हार्डवर्क किया जाए और उन्हें भी एक वो ऐसी लाइफ का मतलब ऐसी लाइफ उनको भी एक दी जाए जो उनका भी कहीं ना कहीं सपना था. वो अपने सपने आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपके लिए, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने पेरेंट्स के इमोशंस को, इमोशंस की रिस्पेक्ट करें और उन्हें, उनके जो भी हार्डवर्क है उनको हम एक अच्छे रिटर्न गिफ्ट की तरह ये एक डिग्री हाथ में उन्हें थमाएं. क्योंकि कॉन्वोकेशन प्रोग्राम जो होता है ना, उस समय जो फीलिंग होती है ना, वो कोई शब्दों में हम बयां नहीं कर पाते. बट उस फीलिंग को लेने के लिए आपको कितना हार्डवर्क करना है ये आपको भी पता चल चुका होगा अगर आपने कोई सीए की कोई भी एग्ज़ाम दी है. बट फोकस रहना एंड जब भी लगता है ना कि यार अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे अब नहीं देखना, इस फील्ड में ही नहीं रहना है, उस पल को याद करना जब आपने इस फील्ड को चूज़ किया था और आपके जो भी सपने थे उन सबको मेमोराइज करना. एंड जब भी लगता है कि मतलब अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी या फिर मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा, आप एक एक चीज़ याद रखना, फ़ोन लेना, फ़ोन के ऊपर, होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर आप अपना पेरेंट्स का फ़ोटो लगा देना, ताकि जब भी आप उस फोटो को देखो, आप फ़ोन को हाथ में लो, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, तब आपको फ़ोटो इतना मोटिवेशन देगा तो डायरेक्टली आपको फ़ोन हाथ में से रख रख कर आपको किताबों की ओर जाने के लिए मोटिवेट कर देगा. बट ये इमोशन आपको मतलब कंट्रोल करके रखने होंगे इस जर्नी के ड्यूरिंग. एंड जो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी है उसके अंदर आपको पढ़ाई रखनी होगी, सोशल मीडिया वगैरह थोड़े दिन आप बंद कर देना. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, लाइब्रेरी का जितना जितना हो यूज़ हो सके उतना करना, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर हमें फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है. बाकी के सारा स्टफ निकाल के रख दो और जब आपने इस प्रोफेशन को अगर चूज़ कर लिया है तो फिर उसको अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर रखो. डिस्ट्रैक्शन हम ही क्रिएट करते हैं, हमारा माइंड ही क्रिएट करता है. बट अब उस डिस्ट्रैक्शन के ऊपर कैसे कंट्रोल लाना है ये भी हमारा माइंड ही हमें सिखाने वाला है. तो माइंड को अच्छी तरीके से एनर्जेटिक रखो, अच्छे अच्छे लोगों के आजू बाजू रखो, पॉजिटिव पीपल के आजू बाजू अगर आप रहोगे तो आपको मोटिवेशन ईजिली मिलता जाएगा. आपके फ्रेंड्स ही इतने कमीने हैं कि वो सारे आपको बोलते क्या पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल से अभी से दूर हो जाओ, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके हार्मफुल होगा. तो इससे अच्छा अभी से वैसे लोगों को, उन लोगों से दूरियाँ बना लो. ठीक है, कभी कभी मिलने चले जाओ बट अपने पेरेंट्स के इमोशन के साथ मत खेलो. वो सबसे ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं एंड आप अगर उनके इमोशंस का मजाक बना रहे हो ना तो आप किसी और को चीट नहीं कर रहे, आप अपने भगवान के साथ गद्दारी कर रहे हो. सो मेरा यही सजेशन है कि पेरेंट्स की इमोशन को समझो. बाकी चाहे आपके साथ, आप किसी के साथ रिश्ता रखो या ना रखो, उनके सर को कभी मत झुकने देना, क्योंकि वो आपकी फ़िक्र के साथ, उनकी फ़िक्र को आपको फ़क्र में बदलना है. एंड
एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ एंड आई होप आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें एंड आप अपने गोल को फुलफिल कर पाए अच्छे मार्क्स के साथ, और कॉन्वोकेशन प्रोग्राम को भी अच्छे तरीके से अटेंड करके वो दो इंसानों के साथ में फ़ोटो को अपलोड करें, जहाँ एक साइड आपके मम्मी और दूसरी साइड आपके पापा गर्व से बोल पाएंगे यस ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।